है आपको अपना यूट्यूब चैनल में आप लोगों का कमेंट था कि सर स्लाइडअप की प्रक्रिया क्या है, लिंक क्या है, कॉलेज को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, जहां कटअप कम गई है उस कॉलेज को कैसे चुन सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि आपको कॉलेज जो है ऐड करना और रिमूव करना कैसे करोगे, और बिहार डेलेट एडमिशन सभी लोग देखे जिनका जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया है, जो चेंज करना चाहते हैं, जो ऐड करना चाहते हैं, फिर से एक न्यू लिंक जारी कर दिया गया है। आपको स्लाइडअप की प्रक्रिया पूरी ए टू जेड जानकारी के साथ समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ ये बताऊँगा कि कॉलेज को कैसे ऐड किया जाएगा, कैसे रिमूव किया जाएगा। कम मार्क्स वाले भी देखें, आप लोगों के लिए सुनहरा ऑफर है, जहाँ पर कटअप कम गया है उस कॉलेज को आप ऐड कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, और YouTube चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन में क्लिक करके पहले जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस करके नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आने वाला हर वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो चलिए समझाते हैं स्लाइडअप की संपूर्ण प्रक्रिया, देखिए यहाँ पर ध्यान से। सबसे तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस पेज में आ जाओगे। इस पेज में आने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जिनका जिनका कॉलेज में नाम आ चुका है तो उनको स्लाइड अप करने का प्रोसेस यह है कि आपको यूजर नेम के जगह पर आपको देना है कॉलेज का कोड। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉलेज का कोड देना है, और पासवर्ड के जगह पर आपको कॉलेज द्वारा पासवर्ड मिलेगा, वह पासवर्ड दे के ही आप कॉलेज को चेंज कर सकते हैं जिसका जिसका नाम आ चुका है, ठीक है ना। तो उनको कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। अब जिनका नहीं आया वो सोच रहे हैं कि हम अपना चेंज करें, तो वो कैसे करें, तो यूजर नेम के जगह पर आपको एप्लीकेशन नंबर देना है, पासवर्ड के जगह पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से मैं दे रहा हूँ। देने के बाद में सिंपली आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड्स, आपका ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और रैंक सभी चीज़ शो करेगा। अब सिंपली इनको हमको चेंज करना है कॉलेज का जो ऑप्शन दिए हुए। देखिए यहाँ पर मैं पटना का टोटल 6 कॉलेज दिया हूँ, इसको मैं अभी मेरा कटअप लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक है ना। तो जब मैं इसको चेंज करना चाहूँगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन जो देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए किन्हीं किन्हीं का शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो किनका शो नहीं करेगा, तो जिनका नाम नहीं आया है कॉलेज में उनका शो नहीं करेगा, वो किसी भी हालत में चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों का कॉमेंट था कि सर हम अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ फ्रेंड्स, नहीं चेक कर सकते, चेंज कर सकते हैं। यहां पर देखिए इंटीमेशन लेटर लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करोगे तो लिखेगा यू आर नॉट सिलेक्टेड इन फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट, प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। जब तक आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है तब तक आपको स्लाइडअप की प्रक्रिया मतलब स्लाइडअप का ऑप्शन नहीं शो करेगा। स्लाइडअप का ऑप्शन उनको शो करेगा जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। अब देखिए यहां पर मैं सिंपली इसको लॉग आउट करता हूं। लॉग आउट करने के बाद में फिर से मैं एक एप्लीकेशन लेता हूं, लेने के बाद में आपको समझाता हूं। यहाँ पर देखिए कॉलेज यूजर नेम के जगह पर मैं डाल दिया कोई और, डालने के बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। इस पे आप जैसे ही लॉगिन करोगे फ्रेंड्स तो फिर से लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए स्लाइडअप का ऑप्शन आ गया। स्लाइडअप का ऑप्शन आने के बाद में इनका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था, तभी जाकर स्लाइडअप का ऑप्शन आया। तो ये जो है आप स्लाइडअप का ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ, स्लाइडअप का ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस कॉलेज में नाम आया, तो यहाँ पर सिंपली नाम आ गया कि जिस कॉलेज में नाम आया था, यहाँ प्राइवेट कॉलेज में लिख रहा है कि आपका नामांकन जो है आरजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन गोपालपुर, यहाँ पर जो है संस्था में आपका नाम ऐड हो चुका है, आप इसको स्लाइड अप कर सकते हैं। तो 28 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आवंटित परीक्षण महाविद्यालय में नामांकन के उपरांत उसके द्वारा भरे गए उच्चतर विकल्प हेतु स्लाइडअप विकल्प की सहमति दे सकते हैं, जिससे अगली चयन सूची तैयार करने के समय उनके नाम पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर स्लाइडअप के ऑप्शन आप दे सकते हो, तो इस पर अप्लाई फॉर स्लाइडअप करके आप अपना कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको आना होगा तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, वे लोग डिस्कशन करेंगे, अगर नहीं आना होगा तो आपको इसी कॉलेज में रहना पड़ेगा। तो ये है पूरी प्रक्रिया स्लाइडअप की, कि स्लाइडअप कैसे करेंगे, क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ जाता है तो कॉमेंट कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड पल पल की खबरें मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।